न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर आप सोच रहे इसके अंदर आप निवेश करेंगे, तो इसके ऊपर दिए गए टारगेट के बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर एक टारगेट दिया गया है जो बहुत ही सरप्राइजिंग दिखाई दे रहा है। जो टारगेट है यहाँ पे 900 का, और ये टारगेट दिया गया है ब्रोकरेज फर्म एडेलवाइस के द्वारा, और ये ब्रोकरेज फर्म एक बहुत ही बेहतरीन ब्रोकरेज फर्म हिसाब से जाना जाता है, और ब्रोकरेज फर्म हमेशा अपना रिसर्च करने के बाद ही ये टारगेट देते हैं। तो ये टारगेट जो दिखाई दे रहा है ये आगे आने वाले एक साल के लिए है, और करीब करीब 48% से भी ज्यादा अपसाइड आप देख पा रहे हैं, और इसको बाय करने का सलाह दिया है एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या रीजन है जिसके चलते ये टारगेट दिया गया है। तो एडेलवाइस द्वारा सबसे पहला जो कारण है वो है कंपनी का डेट। तो कंपनी का कर्जा लगातार डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अपना जो कर्जा है ये लो के अंदर ही रखेगा कंपनी। तो एडेलवाइस यही जो पॉइंट है इसको दिखाते हुए कहा है कि फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि कंपनी का जो डेट है, कर्जा है, वो बहुत ही डाउन दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसके लिए भी एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लगातार पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, ये एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म का मानना है। हालांकि जो रिसेंटली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही बेहतरीन आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करेंगे, इवन ईयर एंड ईयर बेसिस भी कंपेयर करते हैं, तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ग्रोथ दिखाया है, और सबसे अच्छा बात यह है कंपनी का जो मार्जिन है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है रिसेंट क्वार्टर के अनुसार। और एडेलवाइस ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस मॉडल है वो सब्सक्राइबर बेस्ड है, तो ये एक हेल्प करेगा कंपनी का आगे भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए। बेसिकली सब्सक्राइबर बेस्ड जो मॉडल होता है बहुत ही फायदेमंद होता है एक बेस बनाने के लिए। उसी के साथ साथ कंपनी यहाँ पे जो न्यू लोगोज है उसके ऊपर भी फोकस दे रहा है, और क्लाइंट इकोसिस्टम बिल्डिंग भी कंपनी बहुत ही ज्यादा स्टेबल तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में एक यहाँ पे मीटिंग हुआ था न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अंदर जो 18 जनवरी को हुआ था, उस मीटिंग के अनुसार यहाँ पे कंपनी ने अप्रूव कर दिया है नंबर थ्योरी सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक्विजिशन करने के लिए। यहाँ पे 100% स्टेक कंपनी खरीद रहा है 7.02 करोड़ के बदले में, तो ये भी एक पॉजिटिव माना जा रहा है कंपनी के अंदर। अगर आप न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो 2015 में कंपनी 300 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ते हुए अभी 673 करोड़ मार्च 2021 तक दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो रनिंग ईयर है उसमें कंपनी 748 करोड़ का सेल करेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 5 से 6 साल के अंदर यहाँ पे 3 गुना हो चुका है, और आगे भी ये मार्जिन स्टेबल रहते हुए आपको दिखाई देगा, और ये अच्छा खासा रेवेन्यू आगे भी अर्न करेगा एज वेल एज नेट प्रॉफिट। तो अगर आपके पास न्यूजेन सॉफ्टवेयर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वैल्यूएशन को नज़र में रखते हुए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईटी कंपनी है तो ये सस्ते में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इसके अंदर रिसर्च कीजिए उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.